अध्यक्ष ने कहा, हमारी इंडिया अलायंस की जो निरंतर पूरे प्रदेश में राष्ट्र में हमारे जितनी भी हमारी प्रोग्रेसिव पार्टीज है, प्रगतिशील पार्टियां हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और साथ ही साथ लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन 10 वर्ष रहा है उसके लिए लामबंद हो रही है और पूरे राष्ट्र में एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो चुका है। एक परिवर्तन स्पष्ट रूप में दिख रहा है और वर्तमान में लगभग कोई 5 चरण हो चुके हैं और मैं समझता हूँ मात्र अब हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हमारे इसको 7-8 दिन शेष रह गए और हर आपके चाहे पार्लियामेंट की बात हो, विधानसभा सीटों की बात हो, हर जगह एक निर्णायक बढ़त कांग्रेस पार्टी ने मैं समझता हूँ प्राप्त कर दी है। ये एक तरह से सब्ज बाग दिखाने की बात रही है कृषि बागवानों के साथ। आपको याद होगा चाहे 14 या 19 की बात हो, इन्होंने कहा था कि किसानों और बागवानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन इसके विपरीत जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के माध्यम से 1500 करोड़ के आसपास का प्रावधान प्रतिवर्ष मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए किसानों के लिए MIS के तहत होता था भिन्न भिन्न सरकारों के समय में, वो भी आपकी वर्तमान की NDA सरकार ने पिछली वर्ष से उसको खत्म कर दिया है। 1500 करोड़ से मात्र 1 लाख में एक टोकन बजट के रूप में रख दिया है। एक बहुत बड़ा कुठाराघात किसान और बागवानों के साथ है। जहां मैं अपनी सरकार की बात कर रहा था, फुफुन नाशक, कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान आपको अनुदान पे जो सब्सिडी पे हमारे लघु और सीमांत किसान को दवाइयां मिला करती थी, वो जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान उसको रोका गया था, उसको हमने पुनः प्रारंभ किया है। वजन के आधार पे हमारे सेब का हमारे उत्पाद की बिक्री हो, ये भी ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार कांग्रेस सरकार ने लिया है। यूनिवर्सल कार्टन, ये भी लंबे समय से किसानों की मांग रही थी, इस पर भी मैं समझता हूँ अपनी सहमति दर्शा के हमारी सरकार ने ये स्पष्ट रूप में दर्शाया कि हम किसानों और बागवानों के साथ है। जगह जगह CA स्टोर खुले, ये भी सरकार की योजना जो आने वाले समय में आपको धरातल पे सारी बातें दिखेगी। और अभी भी वर्तमान में लगभग कोई 44 देशों से मैं समझता हूँ यहाँ पर आपका रिकॉर्ड तोड़ इम्पोर्टेड सेब आ रहा है, जिसके कारण बड़ा प्रतिकूल असर हमारे किसानों और बागवानों पड़ा, विशेषकर जिन्होंने अपना सेब कोल्ड स्टोर किया था उनको बहुत नुकसान हुआ है। ये भी एक बहुत मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे क्षेत्र से जुड़ता है। चाहे OPS की बात हो, गंभीर वित्तीय स्थिति थी उसके बावजूद भी आपने OPS प्रदेश के कर्मचारियों को 1,36,000 इनकी संख्या बनती उनको देना एक ऐतिहासिक फैसला था। और इन्होंने इसके विपरीत जैसे राजस्थान में इनकी सरकार आई, इनका पहला कार्य था कि OPS को बंद करे। इंडिया का गठबंधन देश के पैमाने पर और हिमाचल प्रदेश के पैमाने पर देश के संविधान को बचाने के लिए और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को बचाने के लिए यह गठित किया गया है। मैं सिर्फ 5 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात कि हिमाचलता ये और BJP ये कॉम्पैटिबल नहीं है। जो नेचुरल फॉर्म में इसकी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है, जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड के समय से इसका दृष्टिकोण यह था कि उसको हिमाचल प्रदेश को ठोड मारना चाहिए। और उस समय से लेकर अभी तक अगर हम इतिहास को ट्रेस करें तो BJP और हिमाचल प्रदेश की कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है और इसीलिए इसको जनता ने इस चुनाव में नकार दिया है। दे आर गोइंग टू लूज ऑल 4 लोकसभा सीट्स एंड द 6 असेंबली सीट्स इन हिमाचल प्रदेश। कि 5th फेज के वोटिंग के बाद बहुत परिवर्तन आने वाला है और कहां आ रहा है उसको भी आप समझो और हिमाचल के घटनाक्रम से आप जोड़ो। जहां जहां मोदी साहब ने प्रयत्न किया और शाह साहब ने प्रयत्न किया सरकारों को बेदखल करने के लिए, जो बेसिक डेमोक्रेसी हमारी है, इलेक्टेड जो
पार्लियामेंट्स हैं, असेंबलीज हैं, जब आप उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसका एक बड़ा रिएक्शन, ये महाराष्ट्र के अंदर रिएक्शन आ रहा है। और उनकी स्ट्रेंथ आप नोट कर दें, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं, उनकी स्ट्रेंथ 20 से नीचे आने वाली है। जॉइंट अलायंस है, ये फील करता है, दिस इज एन एक्सेप्शनल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस। कैसा इलेक्शन है? ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें इस संविधान को बचाना बहुत अनिवार्य हो गया है। इट इज नॉट ओनली द नीड ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री, लेकिन ये नीड है पीपल ऑफ दिस कंट्री का। ये संविधान राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की धार ने बनाया है, कुर्बानियों से बना है, और वो आपके अंबेडकर साहब ने उसका वो हेड कर उसको बनाया है। लेकिन आज बड़े दुख से हमें कहना पड़ रहा है, सिर्फ उसको खत्म करने का कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदर जो पिछड़ी हुई क्या कहते जातियां हैं और आपकी ये वो है, उसको वो रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जो उसको रिजर्वेशंस थी उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कोर जो वोटर है और वो कोर जो उनकी पार्टी का है वो ऊपरी जाति के लोग हैं। माफ करें जब मैं ऐसा ऐसी व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप गलत नहीं समझना, और इसलिए वो इस संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। एंड दिस अलायंस स्टैंड फॉर सेविंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सेविंग दिस कंट्री, सेविंग द पीपल। एंड आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इनका डीएनए बीजेपी के वालों का डीएनए देख लीजिए, और इनका डीएनए इस प्रकार का है जो एंटी पीपल है, एंटी हिमाचल प्रदेश है, एंटी दलित है, एंटी फार्मर है। वो पिछले 10 ईयर्स ने ये सिद्ध कर दिया है, जब इनका इम्तिहान हुआ वो ये साबित हुआ है, ये प्रो पीपल कहीं रहे नहीं है। और इसलिए आज अगर हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व को बचाना है, सेब की खेती को बचाना है, तो इस इंडिया अलायंस ने वाव कर दिया है, आखिरी सांस तक इस लड़ाई को, इलेक्टोरल बैटल को आगे ले जाएंगे। एंड ऑन ऑल 4 सीट्स वी आर गोइंग टू डिफीट देम, इंक्लूडिंग द 6 वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये राइटिंग ऑन द वॉल बहुत क्लियर है। बेरोजगारी की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, आज तो 10 साल हो गए, कायदे से 20 करोड़ रोजगार बनते हैं, लेकिन लाखों युवाओं की छटनी हो गई, कहीं रोजगार मिले नहीं। पिछली बार नारा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की वस्तुएं आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है, चुनाव नहीं हो रहे, महंगाई का मुद्दा कहीं नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं नहीं, करप्शन चरम सीमा पे। आज जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश में 4 या 5, पूरा धन का संचय उनके हाथों में हो रहा है, और ये सरकार मूक दर्शक बन के बैठी है। और एक बहुत बड़ा घोटाला, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे जिक्र किया था पूरे तर्कों के साथ, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, वो सामने आया। और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला है कि किस तरह से इन्होंने अवैध रूप से ड्रा कर धमका कर धन का संचय किया। आज पूरे देश में हर जिला में इनके आलीशान दफ्तर बन रहे, दिल्ली का जो दफ्तर है वो तो 5 सितारा होटल से भी बढ़कर है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये एक मूलभूत प्रश्न है। आम जनता परेशान है, और आज भी बार बार जिक्र होता है कि मोदी साहब की गारंटियां, कौन सी गारंटियां, कौन सी गारंटी इन्होंने पूरी की है। लोकतंत्र में आज विपक्ष का हक बनता है कि हम इनसे प्रश्न पूछें कि आप बताएं कि आपने पिछले 10 वर्षों में क्या किया। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथी इकट्ठे हैं, और मजबूती से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी क्योंकि सूचना तंत्र उनके पास है,
उन्हें निश्चित तौर पे सूचनाएं मिल रही है कि एनडीए लगातार पिछड़ता जा रहा है, इसलिए वो ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर जो व्यक्ति सुशोभित हो शोभा नहीं देता। आज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर किस तरह की भावनाएं वो व्यक्त कर रहे हैं हमें हैरानी है। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो सारा धन जो है वो अल्पसंख्यक मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। उनका जो बयान है दो दिन पूर्व, बहुत मुझे हैरानी हुई, सभी लोगों को हैरानी हुई कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। इस तरह की बातें करना इस बात को इंगित करता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री